फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मूंग दाल उसल। उसके लिए मैंने अंकुरित मूंग को लिया है, जिसे मैंने भिगो के उसे स्प्राउट आने के लिए रख दिया था, अंकुर आने के लिए, अंकुरित होने के लिए। अब यह है बारीक कटा प्याज, एक तेज पत्ता है, टमाटर, धनिया पत्ती, करिया पत्ती, हरी मिर्च, तेल, उसके अलावा हल्दी, मिर्च पाउडर, हींग, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, हल्दी है और गरम मसाला। सबसे पहले मैंने रखा एक पैन, पैन जैसे गरम हो गया उसमें मैंने डाला 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल डाल के जैसे ऑयल गरम हो गया उसमें मैंने डाला है 1 तेज़पत्ता, ये फ्रेश तेज़पत्ता है, आप अपने पास जो भी अवेलेबल है वो डाल देना। जैसे वो गरम हो गया उसके बाद मैंने डाला है 1/2 स्पून जीरा, 1/2 स्पून सरसों। डाल के जैसे ये क्रैकल हुआ है उसके बाद मैंने इसमें डाला है करिया पत्ती, करिया पत्ती डाल के 1/4 टीस्पून हींग डाला है। ये जैसे ही थोड़ा सा भुन गया उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा प्याज, डाल के मैं इसको अच्छे से भुन रही हूँ। ये स्प्राउट की रेसिपी आप एज अ ब्रेकफास्ट भी खा सकते हो, रोटी के साथ भी खा सकते हो, लंच में भी ले जा सकते हो, सभी में ये बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने डाला है 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैंने डाला है बारीक कटा टमाटर डाल के, अब मैं इसको थोड़ा भुनूंगी जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते हैं। ये रेसिपी बहुत जल्दी भी बनती है, बहुत टेस्टी भी है। इसमें डाल रही हूँ सूखे मसाले। सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। मसाले आप इसमें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ स्प्राउट्स, डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। स्प्राउट बनाने के लिए आप एक दिन पहले खड़ा मूंग, जो हरा मूंग होता है, उसे रात भर पानी में भिगो के रख देना। नेक्स्ट डे किसी कॉटन के कपड़े में बांध के हैंग कर देना। 12 घंटे में अंकुरित मूंग, स्प्राउटेड मूंग बनके रेडी हो जाएगा। अब मैंने डाला 1/2 टीस्पून नमक, नमक डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसे ढक के धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए पकने रख दूँगी। ये ऑलमोस्ट पक गया है, थोड़ा सा और बचा है तो मैं इसमें 1 कटोरी पानी डाल रही हूँ। ये स्प्राउट फ्रेश तुरंत बना हुआ है तो 1 कटोरी पानी लग रहा है। अगर मार्केट का परचेस करोगे तो वो फ्रेश नहीं रहता है, तो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगेगा। अब 5 मिनट बाद ये काफ़ी अच्छे से पक गया है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून गरम मसाला और खूब सारा धनिया पत्ती। हमारा मूंग दाल उसल बनके रेडी है। आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, या इसे आप रोटी चावल के साथ भी खा सकते हो। सभी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली ये है बहुत हेल्दी। अब मैं इसे कर रही हूँ सर्व ठंडा होने के बाद। आप भी ये टेस्टी हेल्दी मूंग दाल उसल बनाइए। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।